सेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। सबका टीटॉक एक मुन सोच की डॉक्टर सतीश मोद हु इज एन ऑथर ऑफ एंड बेस्ट सेलिंग बुक डिस्कवर द अर्जुना एंड यू, पूरी कॉमेंट्री जो आप टीटॉक एक मुन सोच के ऊपर सुन रहे हो डॉक्टर सतीश मोद की है। सर आपका स्वागत है एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लेटिंग आवर टारगेट ऑडियंस एज फॉर द महाभारत विच इज कंसर्न। अभी जो नेक्स्ट जो उनका लूप है यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। अभी तक हमने कहानी में बार बार इसका जिक्र सुना कि जन्मेजय जो है वो सर्प यज्ञ करेगा और सांपों को उसमें भस्म कर देगा। तो ये जो कहानी है ये बताएगी कि जन्मेजय ने वह सर्प यज्ञ क्यों किया। तो ये कहानी प्रारंभ होती है परीक्षित से। परीक्षित जो है वह अभिमन्यु के पुत्र थे और पूरे महाभारत युद्ध होने के बाद में जब पांडव भी चले गए तो उसके बाद में पूरे राज्य को परीक्षित ने संभाला। वो बहुत अच्छा योद्धा था और पूरे भारत में उसका साम्राज्य था, पूरी पृथ्वी पर उसका साम्राज्य था, बहुत बड़ा योद्धा था। उसको शिकार करने का भी बड़ा शौक था, जैसे राजाओं महाराजाओं को हम सुनते होता है। तो वो एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया और हमेशा उसके एक तीर से ही मृग, जिसको हम कहेंगे शेर कहो या जो भी हो, जंगल के जो जानवर होते हैं उसको संस्कृत में मृग कहते हैं, तो मृग का शिकार करने के लिए वो जाता था। तो एक तीर में ही वो उस मृग को मार सकता था। एक दिन ऐसा हुआ, एक बार जब वो शिकार करने गया तो एक मृग को उसने मारा, लेकिन वो मृग वहीं पर मर के नहीं गिर गया, वो एकदम घायल ही वहाँ से भाग करके जंगल में घुस गया। परीक्षित ने कहा कि हर बार मैं शिकार करता हूँ और उस शिकार को उठा करके अपने राज्य में ले जाता हूँ, आज मैं शिकार को गया लेकिन खाली हाथ कैसे लौटूंगा कि मेरे हाथ में वो मृग नहीं है जिसका मैंने शिकार किया। तो वो उसका घोड़े पर बैठा रहता है, वो उस पर बैठ करके वो मृग का पीछा करता है। पीछा करते करते वो मृग आगे दौड़ रहा है, इसका घोड़ा पीछे दौड़ रहा है, करते करते एकदम घने जंगलों में वो घुस गया और सुबह से होते होते शाम हो गई और वो मृग उसको मिला नहीं। तो परीक्षित भी थका हारा और प्यासा भूखा ऐसा वहाँ जंगल में, उसको रास्ता भी नहीं पता कि कैसे मैं वापस अपने राज्य में जाऊँगा। तो अपने घोड़े को भी छोड़ करके यहाँ वहाँ भटक रहा था कि कहीं पर कुछ पीने को पानी मिल जाए, कुछ भोजन मिल जाए। तो वहाँ पर भटकते हुए उसको एक जगह एक आश्रम दिखा। वो आश्रम जो था वो शमिक मुनि का आश्रम था और वहाँ पर उसने देखा कि एक मुनि वहाँ बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर गया और उसने बोला, मुनिवर मुझको बहुत प्यास लगी है, आप मुझको कृपया पानी देंगे। लेकिन शमिक मुनि जो हैं वो उस समय मौन व्रत पर थे, आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे, वो सुन रहे थे कि ये परीक्षित क्या बोल रहे हैं। उसको ये भी पता था कि ये राजा हैं लेकिन वो अपना व्रत तपस्या छोड़ के कैसे वो बोल सकते हैं या कुछ बता सकते हैं। वो चुपचाप बैठे रहे। परीक्षित बार बार बोलते रहे, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझको कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ पीने के लिए पानी दे दो। तो जब श्रमिक मुनि ने कुछ नहीं कहा तो परीक्षित को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, जानते हुए कि भी मैं राजा हूँ और ये मुझे कुछ दे नहीं रहे। तो उनको एकदम बहुत गुस्सा आया। तो गुस्से में उन्होंने देखा कि मैं भी इन श्रमिक मुनि का अपमान करूँगा तो क्या करें। तो बाजू में एक मरा हुआ सांप था, उन्होंने अपने तीर से उस सांप को उठाया और श्रमिक मुनि के कंधे पर रख दिया और वहाँ से वो भूखे प्यासे थके निकल गए और अपने राज्य की तरफ निकल गए। ये घटना तो यहाँ पर हो गई। लेकिन वो श्रमिक मुनि जो था उनका एक बेटा था और उस बेटे का नाम था श्रृंगी। वो छोटा था, मतलब बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन तपस्या उसकी भी बहुत दृढ़ थी। तो श्रृंगी जब वहाँ पर घूमते हुए आया तो उसने देखा कि उसके पिताजी के कंधे के ऊपर मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। तो उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे पिता इतने तपस्वी हैं, किसमें ये हिम्मत हुई कि वो मेरे पिता के कंधे के ऊपर मरा हुआ सांप छोड़ कर चला जाए। तो वहाँ पर एक दूसरा भी साधु था, उसने ये सब देखा था तो उसने श्रृंगी को बताया कि ये परीक्षित राजा जो हैं
वो ऐसा करके चले गए हैं और अच्छा नहीं किया उन्होंने, वो उसके श्रृंगी को और गुस्सा दिलाने लगा वो, ये बताने के बजाय कि तुम्हारे पिताजी ने मौन व्रत किया हुआ था और वो ऐसा सब नहीं कर सकते थे, उनको गुस्सा आया चले गए, उसको बताने के बजाय वो बच्चा समझ करके उसको और छेड़ने लगा कि तुम्हारे पिता का तो ये अपमान कर दिया और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो श्रृंगी ने आचमन लेकर के वहाँ पर कहा कि मैं राजा परीक्षित को ये श्राप देता हूँ कि सांपों का, नागों का राजा तक्षक अगले 7 दिन के बाद उसको काट करके उसको मार डालेगा। इतना बड़ा श्राप उसने राजा परीक्षित को दे दिया। अभी जैसे ही ये श्रमिक मुनि ने सुना, उनकी तपस्या भी समाप्त हो रही थी, उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने कहा अरे श्रृंगी तुमने ये क्या कर दिया। उसने बोला कि वो आपका अपमान करके गया। उसने कहा कि ये परीक्षित जो राजा है वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे विश्व का पालन पोषण करते हैं, बड़े धर्म शास्त्रों के निपुण राजा है, उनको ऐसा श्राप क्यों दिया। तो श्रृंगी ने कहा कि मुझसे तो आपका अपमान देखा नहीं गया और मैंने उनको श्राप दे दिया, अभी 7 दिन के बाद में तक्षक जाएगा और वो उनको मार देगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत काम तुमने किया है, मैं तुम जाओ और राजा से माफ़ी मांगो और ये कहो कि ये ऐसा होने वाला है और उनको सावधान करो, तुम्हारा श्राप तो तुम वापस ले नहीं सकते, अभी तो तक्षक तो आएगा काटने के लिए, लेकिन ऐसा करो कि 7 दिन के अंदर वो अपनी पूरी सुरक्षा रखें और तक्षक जाके उनको काट न सके। तो वो तो उसने तो जाने से मना कर दिया। तो श्रमिक मुनि ने अपना एक दूत राजा के पास भेजा और बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे बेटे ने लेकिन ऐसा श्राप दे दिया है कि 7 दिन के बाद में तक्षक आएंगे और आपको काट के आपको मार डालेंगे, आप अपनी रक्षा का इंतजाम कर लो, और ऐसा बोल के वो चला आया। तो परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके सारे मंत्री थे, उन्होंने कहा कि अरे तो बड़ी भारी दुर्घटना हो गई, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने परीक्षित राजा के लिए एक बड़ा ऐसा एक महल बनाया जिसमें से कोई भी सांप अंदर ना आ सके, कोई भी व्यक्ति उनसे न मिल सके, ऐसी उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी कि आप कहीं बाहर नहीं निकलेंगे 7 दिन, और परीक्षित के लिए पूरी व्यवस्था हो गई। तो अभी परीक्षित उस महल में रहने लगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे कौन मार सकता है। उधर से तक्षक जो है उसने कहा कि अभी तो मुझको 7 दिन में जाके परीक्षित को डसना है, क्योंकि मुझको ऐसा श्राप है तो मुझको करना ही है ये काम। वो चल पड़ा तक्षक, मतलब उनको मारने के लिए। तो रास्ते में कश्यप मुनि भी थे, उनको भी मालूम चला कि ऐसा होने वाला है, और उनके पास में ऐसी विद्या थी कि यदि तक्षक ने राजा को काटा तो राजा मर जाएंगे, लेकिन कश्यप मुनि के पास में ऐसी विद्या थी कि वो राजा को पुनर्जीवित कर सकता था। तो उसने कहा चलो ठीक है, तक्षक काटने के लिए जा रहा है, मैं भी राज्य में जाता हूँ और जब तक्षक काट लेगा तो मैं उनको जिंदा कर दूंगा। तो वो जा रहे थे तो रास्ते में दोनों ही मिल गए, कश्यप भी मिल गए और तक्षक भी मिल गया। तो तक्षक ने पूछा आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं कश्यप हूँ और मुझको ये विद्या है, मैंने सुना है कि तक्षक काटने वाला है, वो राजा को काटेगा तो मैं उनको जिंदा कर दूंगा। तो तक्षक ने कहा कि मैं ही तक्षक हूँ, मैं ही तो काटने जा रहा हूँ उनको मारने के लिए। तो उसने बोला तुम काट दो किसी को भी, मैं तो सबको जीवित कर सकता हूँ। उसने कहा ऐसा है, मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ। तो सामने एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष था, तो उसने जोर से फूंककार मारी, विष भरी, तो पूरा वट वृक्ष जल के एकदम खाक हो गया, इतना जहरीला विष था उसका। तो कश्यप मुनि ने कहा देखो मैं इसको जिंदा कर देता हूँ। उन्होंने अपने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किए और जहाँ पर वो वट का वृक्ष था वहाँ धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा आया और थोड़ी देर में बड़ा होते होते फिर से पूरा वट वृक्ष बन गया। तो तक्षक ने कहा कि भाई देखो ये बात तो सही है कि तुम्हारे पास में विद्या है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है परीक्षित की उम्र समाप्त हो चुकी है, उनको मरना ही है, मैं तो इस श्राप के कारण एक साधन बन गया हूँ उनको मारने का, आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं, प्रकृति के विधान को बदलना चाहते हैं। तो कश्यप ने भी कहा कि हाँ मैं तो धन के लालसा से ही जा रहा हूँ कि उनको जिंदा कर दूंगा तो राजा मुझे बहुत धन देंगे। तक्षक ने कहा जितना वो धन देंगे उससे ज़्यादा मैं आपको देता हूँ, आप वापस चले जाओ। तो कश्यप को भी ज्योतिषी आती थी, उन्होंने देखा कि हाँ ये तो परीक्षित के मरने का तो समय आ ही गया है, चलो ये तक्षक ही धन दे रहा है तो इसको लेकर के मैं वापस चला जाता हूँ। तो तक्षक आगे बढ़ा और कश्यप उन्हें लौट गए। और अभी तक्षक आगे बढ़ा, उसने कहा कि अभी 7वां दिन पूरा होने वाला है, वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, कैसे जाऊँगा। तो उसने अपने
नाग बंधुओं को कुछ को बुलाया, उनके पास में ये विद्या थी कि वो मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने उन सब लोगों से कहा कि तुम लोग ऐसे आज सातवां दिन पूरा होने वाला है, तो सातवां दिन पूरे होने की खुशी में आप बोलो कि राजा का सत्कार करने के लिए हम फल फूल लेकर के आए हैं, तो वो लेकर के आप महल में जाना और मैं उसमें एक फल के अंदर छोटा सा कीड़ा बन के बैठ जाता हूँ, तो जब वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा तो परीक्षित को मैं काट के मार दूँगा। ऐसा ही किया। सात दिन पूरे होने वाले थे, शाम का समय हो रहा था और सभी मंत्री बहुत खुश थे, राजा परीक्षित भी बहुत खुश होकर के बोल रहे थे कि देखो सात दिन हो गए, मैं तो बच गया, तक्षक ने मुझे नहीं मारा। तो उनको सूचना मिली कि कुछ लोग आपका स्वागत करने के लिए कि आप बच गए हैं, फल फूल लेकर के आपके पास आए हैं। तो ये तो मृत्यु का ऐसा जाला रहता है कि परीक्षित को तो बोलना चाहता कि अभी कुछ घंटे और बाकी हैं और मत भेजो उनको, लेकिन कहा नहीं नहीं आने दो, क्या होता है अभी तो मुझे कोई क्या कर सकता है। आ गए वो सब अंदर और उन्होंने कहा कि ये आपको ये फल फूल हम अर्पित करते हैं, और वो अर्पित करके वो बाहर निकल गए। परीक्षित ने भी उसमें से एक फल उठाया जिसके अंदर ही तक्षक छुपा हुआ था, उसने कहा कि अरे इसके अंदर तो एक छोटा सा कीड़ा है, क्या ये मुझे काट के मार देगा क्या, तक्षक तो कहाँ है, ये तो छोटा सा कीड़ा है, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लेकिन वो तो तक्षक ही था, उसने तुरंत अपना बड़ा रूप लिया और परीक्षित को डस करके उसने काट के मार दिया। सभी मंत्री वहाँ से डर के भागे। जब वो भाग के निकल रहे थे तो उनको बड़ा ये हुआ कि ऐसा कैसे हो गया कि हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की और ये आ गए, और उनको ये भी मालूम चला था कि कश्यप बचाने के लिए आ रहे हैं, तो कश्यप कहाँ रह गए। तो जब वो भाग रहे थे बाहर महल के, तो वहाँ पे एक आदमी दौड़ता हुआ आते हुए दिखाई दिया। उन्होंने उसको रोक करके पूछा कि क्या बात है, तुम किस लिए आ रहे हो। तो उसने कहा कि ये कश्यप मुनि जो आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे। तो उसने कहा तुमको कैसे पता। तो उसने कहा कि जिस वृक्ष के ऊपर इसने तक्षक ने विष डाल करके जला दिया था, उसके ऊपर मैं भी बैठा हुआ था और मैं भी जल के खाक हो गया था, और जब कश्यप मुनि ने पूरा वृक्ष पैदा किया तो मैं भी फिर से जिंदा हो गया, और उसके बाद में मैं भाग करके आया ये सावधान करने के लिए कि तक्षक काटने के लिए आ रहा है और परीक्षित को बचना चाहिए। तो उन्होंने बोला अभी तो जो होना था हो गया, परीक्षित तो मर गए अभी और तुम चले जाओ। ये सारी बातें जो है उसके मंत्रियों ने जन्मेजय को बताई कि तुम्हारे पिता की मृत्यु इस तरह से हुई थी। जब जन्मेजय बड़ा हो गया और वो राजा बन गया तो उस समय एक बार उसने पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक के काटने से हुई थी, लेकिन उसका पूरा वृत्तांत क्या है। तो उस समय के जो पुराने मंत्री थे उन्होंने बताया जन्मेजय को कि इस तरह से तक्षक के मारने से आपके पिता की मृत्यु हुई थी, काटने से आपके पिता की मृत्यु हुई थी। तो जन्मेजय ने निश्चित किया कि इस दुनिया में मैं एक भी सर्प जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और इसके लिए उसने सर्प यज्ञ की कल्पना की। ऐसी महाभारत की कहानी है और अगले एपिसोड्स में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सर आपने हर एक कड़ियाँ इतनी अच्छे से जोड़ी हुई है, हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं आई थिंक अब भी नहीं कभी ऐसा होता है, जैसे आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात कर रहे हो, इतनी सरल भाषा में और इतनी कहानियों के साथ में आपने इसकी जो पूरी कॉमेंट्री करो महाभारत का, आई एम श्योर टारगेट ऑडियंस विल बी ब्लेस विथ योर काइंड ऑफ एंड विजडम एज फॉर द महाभारत विच इज़ कंसर्न। आपका शुक्रिया, धन्यवाद।